हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम मौजूद हैं जावा का नेक्स्ट लेक्चर लेके, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हाउ टू राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। सो जावा के प्रोग्राम को लिखने से पहले जो चीज़ें हमें नेसेसरी हैं, वो उसमें से सबसे पहली चीज़ तो है JDK, जो कि जावा डेवलपमेंट किट है, जो कि हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है और ये मेरे पास मौजूद है। सो उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप है कि हम किस तरह से जावा का कोड लिखेंगे। जावा का कोड हम नोटपैड में भी लिख सकते हैं और उसके लिए हमारे पास IDE भी मौजूद है, लेकिन इस लेक्चर में हम आपको भी ये बताएंगे कि किस तरह आप IDE यानी नोटपैड के थ्रू इसको रन कर सकते हैं। और सबसे पहले दूसरी बात ये भी है कि बिन जो हमारे पास यहाँ पे फोल्डर मौजूद है, अगर हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं है तो हमारा जावा कोड बिन के अंदर ही रख के चलेगा। बिन के अंदर ही हमें अपनी फाइल को सेव कराना पड़ेगा और उसके बाद ही वो वहाँ से रन होगा और कंपाइल होगा। तो अगर हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हैं तो हम कहीं से भी उसको रन कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस, अगर हम यहाँ से चेक करें कि क्या हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट है या नहीं, जावा सी लिख के हम देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया हुआ है। अब ये इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट होता है, इसके लिए हमें जाना पड़ता है कंट्रोल पैनल में। वहाँ पे हम सर्च में लिखते हैं एडवांस सिस्टम सेटिंग में आकर हमारे पास मौजूद होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल। यहाँ से हमें सिस्टम वेरिएबल्स में आकर पाथ के अंदर आके न्यू नोट हमें एडिट करके यहाँ पे अपने JDK का पार्ट देना होता है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद ही आपका जो प्रोग्राम है वो कहीं से भी रन हो सकता है। अब हम लिखते हैं अपना पहला कोड जावा का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जावा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके अंदर हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट होगा। अब क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको हम बाद में डिटेल में कवर करेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपना लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक क्लास बनानी है, ठीक है। उस क्लास के बाद हमने पब्लिक क्लास माय क्लास, अब जो आपकी क्लास का नाम होगा वही आपकी फाइल का भी नाम होगा। उसके बाद अब आप अपना मेन मेथड यानी पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, उसके बाद आप strings arguments ARGS, ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट। अब उसके बाद हमारे पास लिखना पड़ता है हमें system.out.println। इस println के बाद हम दे देते हैं दिस इज़ आर फर्स्ट प्रोग्राम। सो इसके बाद हम इसको विद क्लास नेम सेव कराएंगे, सेव एज माय क्लास, हमने नाम यही दिया है। तो हमने अब क्योंकि जावा से केस सेंसिटिव है तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है। माय क्लास डॉट जावा के नाम से हमने इसको यहाँ पे सेव करा दिया। अब इसके बाद हम यहाँ से ही कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जावा सी माई क्लास डॉट जावा। और जिस तरह से हमने देखा कि जावा ने अपनी क्लास, यहाँ पे हमने एक क्लास भी
हो गई है जो कि हमारे पास बाइट कोड में मौजूद है। तो यानी हमारा जो प्रोग्राम जो हमारा प्रोग्राम हमने लिखा था जहाँ फाइल में, वो हमारे पास कंपाइल हो चुका है विदाउट एरर्स। अगर हमारे पास यहाँ पे ये एरर में होता तो यहाँ पे हमें एरर शो हो जाते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली जावा लिखकर अपनी क्लास का नाम दे देंगे और ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। सो नॉट फाइंड माय क्लास जावा, लेट्स सी दिस। तो जिस तरह से गाइस हमने यहाँ पे देखा कि हमें जो एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है जब हमने कंपाइल कर लिया है। जावा लिख के हम क्लास अपनी फाइल का नेम देंगे और हमारा जो आउटपुट है हमें क्लियरली शो हो जाएगा। होपफुली कि आपको ये प्रोग्राम और ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।